चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो पाकिस्तान से बाहर है, अगर उसने छोटा या बड़ा कोई भी रोल प्ले किया है शहीद अरशद शरीफ को कत्ल करने में और शहीद करने में, वो सामने आना चाहिए। दी मोटिव ऑफ द फैमिली इज जस्ट टू टेक द ट्रुथ आउट ऑफ इट, सच सामने आए। कोई भी शख्स है किसी भी बैकग्राउंड से वो ताल्लुक रखता है, चाहे वो कमजोर है या वो ताकतवर है, सच सामने आना चाहिए। जो सर्कमस्टेंसेस हैं कि मेरे नाम लिख के दे दिए हैं कि जिन्होंने मेरे बेटे को कत्ल किया, और नाम कौन कौन से देखें, जो क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शहीद अरशद शरीफ की वाइफ को जवेरिया सिद्दीकी को, तो जो शहीद अरशद शरीफ की वालदा साहिबा ने जो नाम दिए हैं वो पब्लिक होने चाहिए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच को सेपरेट कॉपीज दी गई हैं, उनका वर्जन जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। वो नाम सुप्रीम कोर्ट ने अपने विजडम में मुनासिब समझा कि फिलहाल डिस्कस ना किए जाएं, लेकिन वो जो भी नाम है वो उनकी वालदा, क्योंकि एक्सक्लूसिवली ये उन्होंने अपनी अपना इंडिपेंडेंट जो उनकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज था, जो उनके पास मटेरियल है उसकी बेसिस पे आर्टिकुलेट किए हैं, तो ये वो बेहतर पोजीशन में है जो आपके सामने वो सब्सटेंशिएट कर सकें या वो शेयर कर सकें। यार भाई थोड़ा जगह दे, उसमें जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसकी डिटेल्स पेश की गई। नंबर वन पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पेशेंट हेयरिंग दी, चूँकि आप जानते हैं कि मैं और मेरा ऑफिस जो है उसमें मेरे पार्टनर्स जो हैं वो शाज़िब मसूद और बैरिस्टर साद भुट्टो कॉमनली जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जवेरिया सिद्दीकी, जो अरशद शहीद अरशद शरीफ साहब की भी जो हैं वो जौजा हैं, तो उनको जो हमने रिप्रेजेंट किया उनकी तरफ से अपना वर्जन रखा कि हमें सीरियस रिजर्वेशंस हैं कि जो SHO की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुगरा बीबी केस को बुनियाद बनाते हुए अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि ऑब्वियसली जितने मुकदमे के फरीकैन हैं उनके पास अपना इंडिपेंडेंट राइट है कि वो अपना वर्जन रिकॉर्ड करवा सके इंडिपेंडेंटली, तो और एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई कि जो अब SJIT जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोज किया जा रहा है या सबमिट किया जा रहा है कि स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, उसमें भी हमने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि शहीद अरशद शरीफ की फैमिली की कंसेंट लाजमी ली जाए कि कोई इंटेग्रिटी वाले वो लोग जो कि किसी भी किस्म का किसी भी क्वार्टर से जौन सा है वो इन्फ्लुएंस ना लें, उनको लाजमी तौर पर फैमिली की कंसेंट के साथ जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाए। और तीसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई कि जो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट ऑफिशियल रिपोर्ट जो सबमिट कराई गई है वो नहीं जो कि व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर रही है, चूँकि उसमें हमेशा पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन और पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग जो है वो रहती है, तो उसमें भी रिक्वेस्ट की गई है कि उसकी ऑफिशियल कॉपी जो है वो हमें दी जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने वेरी काइंडली अलाउ किया और हमें हदायत दी है कि हम उसको सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर लें। और इन्हीं हालात की रोशनी में आपको ये वाजे करते चलें कि जो अरशद शहीद अरशद शरीफ की जो फैमिली है उनका मोटिव बड़ा वन लाइनर है कि कोई भी शख्स चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो पाकिस्तान से बाहर है, अगर उसने छोटा या बड़ा कोई भी रोल प्ले किया है शहीद अरशद शरीफ को कत्ल करने में और शहीद करने में, वो सामने आना चाहिए। दी मोटिव ऑफ द फैमिली इज जस्ट टू टेक द ट्रुथ आउट ऑफ इट, सच सामने आए। कोई भी शख्स है किसी भी बैकग्राउंड से वो ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो कमजोर है या वो ताकतवर है, सच सामने आना चाहिए। जो सर्कमस्टेंसेस हैं कि मेरे नाम लिख के दे दिए हैं कि जिन्होंने मेरे बेटे को कत्ल किया, और नाम कौन कौन से देखें, जो क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शहीद अरशद शरीफ की वाइफ को जवेरिया सिद्दीकी को, तो जो शहीद अरशद शरीफ की वालदा साहिबा ने जो नाम दिए हैं वो पब्लिक होने चाहिए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच को सेपरेट कॉपीज दी गई हैं, उनका वर्जन जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। वो नाम सुप्रीम कोर्ट ने अपने विजडम में मुनासिब समझा कि फिलहाल डिस्कस ना किए जाएं, लेकिन वो जो भी नाम है वो उनकी वालदा, क्योंकि एक्सक्लूसिवली ये उन्होंने अपनी अपना इंडिपेंडेंट जो उनकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज था जो उनके पास मटेरियल है उसकी बेसिस पे आर्टिकुलेट किए हैं, तो ये वो बेहतर पोजीशन में है जो आपके सामने वो सब्सटेंशिएट कर सकें या वो शेयर कर सकें। लेकिन वो नाम भी पब्लिकली जो भी कोई नाम है वो सामने आने चाहिए। देखें, हमारी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है और एक तकाजा है कि इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट प्रोसीडिंग जो है वो सामने आए, ताकि जो भी जिम्मेदार है चाहे किसी भी बैकग्राउंड से है
है वो सामने आया जाए और उसको स्ट्रांगली प्रोसिक्यूट जो है वो किया जाए, उसकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी की जाए, और अगर वो कोई गैर सरकारी नहीं सरकारी आदमी है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिवली भी जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग किसी भी बैकग्राउंड से या उसके खिलाफ इनिशिएट की जाए। थैंक यू।